वीडियो में हम देखेंगे कि मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट जो है इसकी इम्पोर्टेंस क्या है और कौन कौन से टूल्स हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं सीक्वेंस अलाइनमेंट के लिए। तो मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट बेसिकली एक ऐसा टूल है, एक सी टेक्निक है जिसमें हम तीन या तीन से ज़्यादा बायोलॉजिकल सीक्वेंसेस जो हैं सिमिलर लेंथ के, उनको अलाइन करते हैं और उनके दरमियान जो सिमिलैरिटी है उसको फाइंड आउट करते हैं। तो ये जो पेयर वाइज सीक्वेंस अलाइनमेंट है, इससे हम क्या कर सकते हैं कि जो सीक्वेंसेस हैं उनके दरमियान फंक्शनल इम्पोर्टेंस की कौन कौन से रीजन्स हैं, स्ट्रक्चरल इम्पोर्टेंस उनकी क्या है, और जो एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप है उन दो बायोलॉजिकल सीक्वेंसेस का, उसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो कौन कौन से टूल्स हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं सीक्वेंस अलाइनमेंट के लिए, इसमें है क्लस्टल, ओमेगा, एम्बॉस कॉन्स, केलाइन, मैफ्ट, मसल, एमवीयू, टी कॉफ़ी और वेब प्रैंक। सीक्वेंस अलाइनमेंट जो है इसको हम यूज़ करते हैं डिफरेंट जो प्रोटीन अलाइनमेंट्स है, मीन अमीनो एसिड सीक्वेंसेस जो हैं उनके दरमियान कंजर्व्ड सीक्वेंसेस को आइडेंटिफाई करने के लिए। कंजर्व्ड सीक्वेंसेस बेसिकली ऐसे सीक्वेंसेस होते हैं जिनके दरमियान थ्रू आउट द एवोल्यूशनरी हिस्ट्री बहुत कम चेंज आता है, उनका म्यूटेशन रेट बहुत कम होता है, एंड दैट इज़ बिकॉज उनकी कोई फंक्शनल इम्पॉर्टेंस है, वो कोई ऐसी प्रोटीन है जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है लिविंग ऑर्गेनिजम्स में। तो ऐसे सीक्वेंसेस को आइडेंटिफाई करने के लिए हम सीक्वेंस अलाइनमेंट को यूज़ करते हैं, और जो प्रोटीन्स हैं उनके दरमियान होमोलॉजी को आइडेंटिफाई करने के लिए कि कौन सी प्रोटीन्स जो हैं दे आर डिराइव फ्रॉम अ कॉमन एंसेस्टर। तो बायो इन्फॉर्मेटिक्स जो है इसमें हम सीक्वेंस अलाइनमेंट्स को सीक्वेंस सिमिलैरिटी फाइंड आउट करने के लिए यूज़ करते हैं, फाइलोजेनेटिक ट्रीज को जो है वो कंस्ट्रक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं, और एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप जो है डिफरेंट जो प्रोटीन स्ट्रक्चर्स हैं उनके दरमियान होमोलॉजी को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ करते हैं। अब बेस्ट सीक्वेंस अलाइनमेंट टूल कौन सा है? क्लस्टल ओमेगा जो है ये बेस्ट सीक्वेंस अलाइनमेंट टूल है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं आरएनए, डीएनए या प्रोटीन सीक्वेंसेस जो हैं उनको अलाइन करने के लिए। तो इसका जो प्रीवियस वेरिएंट था दैट वाज क्लस्टल डब्ल्यू, और इसको यूज़ किया जाता था सीक्वेंस अलाइनमेंट के लिए। क्लस्टल ओमेगा जो है ये जो डिफरेंट सीक्वेंसेस हैं उनको ज़्यादा एफिशिएंटली, कंप्यूटेशनली एफिशिएंट और एक्यूरेट मैनर में जो है वो अलाइन कर सकता है। इट मींस कि ये जो सीक्वेंस सिमिलैरिटी है उसको बेहतर तरीके से आइडेंटिफाई कर सकता है। क्लस्टल ओमेगा जो है ये डाइवर्जेंट सीक्वेंसेस के जो अलाइनमेंट्स हैं उनको बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सकता है। इट मीन डाइवर्जेंट सीक्वेंसेस कौन से होते हैं? जो एक कॉमन एंसेस्टर से डाइवर्ज हुए होते हैं, प्रोड्यूस हुए होते हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से हम जो हैं एंड पे क्लेडोग्राम या फाइलोग्राम्स कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं जिसके थ्रू हम एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स जो हैं उनको ऑब्जर्व कर सकते हैं।